हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे हमारे शहजादे काव का। काव का? अच्छा, आपकी काव आ गई? हाँ आ गई। आपकी काव? हाँ। कैसी काव है आपकी? जबरदस्त। जबरदस्त है तो आप? हाँ। सबको अपनी काव नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। खाना खा रही है अपना? और ये मोहम्मद अहमद गाय को हाथ लगा रहे हैं। चाहिए बोलो। नहलाएंगे सही, फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। क्या कर रहे हैं? चॉकलेट निकाल रहे हैं। ये देखें, ये होती हैं शरारतें, लेवल ऑफ शरारत। ये इन्होंने अपनी साइकिल से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लीव इट। ले ली आपने चॉकलेट, लाइए दीजिए मुझे एक। मुझे मेरी गाय ये मैं खा लूँ? मोहम्मद अहमद की मैं खा लूँ? हाँ मुझे शेयर कराएंगे। ओके चलो, आप मुझे शेयर कराएंगे। गुड बॉय। चलो दोनों वहाँ जाके बैठो, मम्मा काम कर रही है किचन में। चलिए शाबाश, आ जाइए। खोल के खोला है फ्रिज साफ करने के लिए, बस अभी हम इसी की तैयारी कर रहे हैं। भाई बकरीद आने से पहले जो मेन काम होता है वो यही होता है कि फ्रिज और फ्रीज़र साफ़ होने चाहिए, जो कि हमारा थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से रह गया था। बस यही वजह है कि हम जल्दी जल्दी आज के दिन ये सारे काम निपटा रहे हैं। वैसे तो और तो साफ़ ही था, पर ये था कि हाँ सामान वामान थोड़ा सा ज़्यादा था, जो एक्स्ट्रा था वो सब एक्सेस को निकालना था। तो ये है कि हम दोनों ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने अपना फ्रिज साफ़ कर लिया, और इन द एंड आप देख सकते हैं फ्रिज साफ़ हो गया। और फ्रिज साफ़ होने के बाद मैं आपको बताऊँ कि इट्स जस्ट लाइक अ थेरेपी। ये एक थेरेपी की तरह ही होती है कि जब आप देखते हो अपनी चीज़ों को बिल्कुल सेटल साफ़ सुथरा, तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है। तो इसी तरह से मुझे भी था, हमें बड़ी थेरेपी लाइक फील हुआ। और फ्रिज साफ़ हो गया तो हमारा बर्डन कम हो गया ऑब्वियसली। बस आज का दिन इन्हीं कामों में गुजर गया कि हमने पहले, अब हमारे को गाय को नहलाना है क्योंकि गाय को नहलाना था। तो पहले हम भैया काव को नहलाने जा रहे हैं। ये शैम्पू लेके काव नहाएगी इस शैम्पू से, तो बस देखते रहिएगा। हम आपको दिखाएंगे कि हमारी काव कैसे नहा रही है और बच्चे कैसे एक्साइटेड हो रहे हैं। ये भी ये लीजिए, नहीं कैश नहीं लीजिए, बाबा को दीजिए। लाल आप क्या करने आए हैं? दुम मार देगी, दुम मार देगी, नहीं मारेगी। हाँ, दुम मार देगी, सिंग मार देगी। और लो मेरे से प्यारे से बेबी को मम्मा बेबी। अच्छा आप क्या कर रहे हो, काव को नहलाने आए हो? मोहम्मद अहमद आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपके पास आ रही है? ये आ रही है, काव आ रही है। और मोहम्मद अहमद के साथ आई हैं काव को नहलाने। और ये बाबा अपनी काव को मोहम्मद अहमद मोहम्मद बिलाल समझ के रगड़ते हुए नहलाते हुए। दिन तो वही इंतहाई मसरूफ़ गुजरा, लेकिन बच्चों के लिए शॉपिंग पे जाना ज़रूरी था क्योंकि बच्चों के लिए ड्रेसेस लेने थे, कुछ टॉयज़ लेने थे, चीज़ें देने लाने की। तो बस इसीलिए हम लोग नियर करीबी ही मार्केट गए वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे करीब में चेज़ वैल्यू और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे मार्ट्स हैं, आउटलेट्स भी हैं। तो ईज़िली, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको कहीं बहुत दूर जाना पड़ता है, आप ईज़िली ले सकते हैं। बच्चों के लेने के बाद फिर मैंने अपना जो है लिया। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि बड़ी ईद पे जो सारा फोकस होता है ना, वो कुर्बानी पे ही होता है, और अमूमन कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है। मेरा यही था कि अगर सूट ले लिया, ड्रेस ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, कुछ भी पहन लिया जाएगा। लेकिन इन द एंड इनके बाबा ने कहा कि नहीं भाई, नया ड्रेस लेकर आना चाहिए, लेकिन चलते हैं। तो मैंने कहा चले चलते हैं, मोस्ट वेलकम। तो बस बच्चों का लेके अपना लेके घर की तरफ रवानगी हुई, और रवानगी के टाइम पे बस यही हुआ कि क्योंकि रश बहुत था, इरादा ये था कि कहीं बाहर बैठ के खा लेंगे, लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। बस फिर हम अपने करीबी जो है पिज़ोन व्हील से, जिससे हम अमूमन अपनी ही जो है लेट नाइट मंचिंग करते हैं, तो बस वहीं से हमने बच्चों के लिए और अपने लिए ऑर्डर किया। और चांद रात यूँ ही इख्तिताम पज़ीर हुई। बस इसके बाद हम घर आ गए, और घर आके खाना वाना खा के बच्चों को सुला दिया। बाकी ईद के लिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।